हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, 12th क्लास की इस जर्नी में अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कंप्लीट कर चुके हैं, कैपेसिटर एंड पोटेंशियल कंप्लीट कर चुके हैं, और एक और चैप्टर कंप्लीट किया था हमने, क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। कि चार्ज अगर जब मूव करे तो उसका मैग्नेटिज्म के साथ कुछ रिलेशन होगा, वो चीज देखने वाले हैं। मतलब यहां पे मैग्नेट का इंट्रोडक्शन होने वाला है। अब बच्चों, क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। इन्होंने क्या किया, एक दिन लेबोरेटरी में बैठे होंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो उन्होंने क्या देखा, एक वायर में जब करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें एक निडल होती है। ये निडल जो होती है वो मैग्नेट होती है, और इस निडल का यूज करके हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेक करते हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में हमको जाना है वो डायरेक्शन चेक करते हैं। पहले के टाइम पे बहुत यूज होता था, ठीक है, बट आजकल इसका यूज इतना नहीं होता है, आजकल तो गूगल मैप भी बहुत है। तो ये निडल जो होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करती है, मूव करती है। तो ऑस्टर्ड ने जब इसी मैग्नेटिक कंपास को एक वायर के पास रखा, एक स्ट्रेट वायर के साथ पास रखा, तो स्ट्रेट वायर के पास रखने पे इस कंपास की निडल में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। और कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये पहले ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ था, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो डिफ्लेक्शन इसमें पहले आ चुका है जितना आना था, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। अब वापस अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट मींस कोई दूसरा मैग्नेट है जो कि इसको क्या कर रहा है, रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे इस वायर में करंट फ्लो में लगता है, ये निडल जो है थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस डिफ्लेक्शन को देख करके ऑस्टर्ड ने फिर अपने लॉ दिए, क्या, कि जब भी एक वायर में करंट फ्लो होगी वो अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कैसे सर्कुलर होता है। ऐसे ही एक सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट होगा। वापस से, स्ट्रेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, जैसे कि ये स्ट्रेट वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। देखते हैं, ये स्टेप से वायर में करंट जारी ऊपर, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगा। अब सर्कुलर भी कैसा, डायरेक्शन कैसी, तो आप यू करो ना, इमेजिन करो कि ये वायर आपने अपने राइट हैंड में पकड़ रखी और आप अपने फिंगर्स को मूव करो, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को, करंट जारी ऊपर, और फिंगर्स को घुमाओ, तो फिंगर्स गोलगुल घूम रहे हैं ना, गोलगुल घूम रहे हैं, दैट मीन्स सर्कुलर पाथ है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो इस वायर में भी तो करंट फ्लो होगी, तो इस वायर के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो भी कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल वायर से दूर ही क्यों गया, वायर के पास में आना चाहिए था। बच्चों देखो, मैग्नेट में भी दो टाइप के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे चार्ज की पोलैरिटी होती है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसी मैग्नेट्स की भी पोलैरिटी होती है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, साउथ साउथ जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, आपने देखा भी होगा। अब ये नॉर्थ वायर से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही होगा कि यहां पे आपको साउथ बना होगा, सॉरी नॉर्थ बना होगा, और वो नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस वायर के आसपास नॉर्थ बना होगा, वो नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों बात ही सही है। अब यहां पे कैसे पता लगाएं कि नॉर्थ पोल जो है वायर के पास आएगा या वायर के दूर जाएगा, तो आप एक रूल याद रख लो, स्नो रूल। ऐसे तो काम नहीं आएगा, फिर भी अब बता देते हैं। स्नो रूल क्या बोलता है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसको कंसिडर कर लो साउथ डायरेक्शन, इसको कंसिडर कर लो नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो भी तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो है वो मतलब
ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? मैग्नेटिक कंपास की निडल का। निडल में देखो नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन बोलने का मतलब है नॉर्थ पोल से, ये वाला नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ का जो ओरिएंटेशन है वो कहां की तरफ होगा? वेस्ट की तरफ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी। आप करके देख लो, साउथ से नॉर्थ अगर करंट फ्लो हो रही है तो नॉर्थ का ओरिएंटेशन वेस्ट की तरफ होगा। वेस्ट की तरफ होगा तो नॉर्थ जाएगा दूर और साउथ जाएगा पास, ठीक है। इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो हम यू कर लेते हैं, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, राइट हैंड थंब इसको पकड़ रहा हूं मैं और फिंगर्स घुमा रहा हूं तो गोल गोल घूम रही है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इस टाइप से सेम गोल गोल घूम रही है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन्स है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है? नीचे। और इस वाली जगह पे कहां जा रही है? ऊपर। यहां पे ऊपर, यहां नीचे। ऊपर बोलने का मतलब कि नॉर्थ पोल से लाइनें आ रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल अगर देखें तो नीचे की तरफ है और यहां पे टेंजेंट देखें तो कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ, ठीक है। दैट मीन्स यहां कहीं पे क्या बना हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर आ रही है। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के आ रही है कहीं से। कहां से निकल के आ रही है? नॉर्थ पोल से निकल के आ रही है। तो नॉर्थ अगर यहां पे रखेंगे तो नॉर्थ तो दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, इस वायर इस फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ पोल, और साउथ कहां जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए नॉर्थ गया ऊपर और साउथ कहां आया? नीचे। यही हम कंपास को अगर नीचे रखते हैं तो नॉर्थ इस पार जाता पास और साउथ जाता दूर, क्योंकि नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग टाइप का है। नीचे देखो, इधर साउथ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, दैट मींस नीचे बनाए साउथ और ऊपर बनाए नॉर्थ। तो ये किसने बताया? एम्पियर ने बताया, सॉरी ये बताया था ऑस्टर्ड ने। अब इसके बाद हमको क्या करना है? हमने फर्स्ट चैप्टर जब किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो वहां पे हमने एक स्टेशनरी चार्ज के कारण किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो देखा था। क्या था वो इलेक्ट्रिक फील्ड? देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से, जिसका फॉर्मूला होता था 1/4πε0Q/r2। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है वो अपने से आर डिस्टेंस पे एक फील्ड फॉर्म कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही एक मूविंग चार्ज जो है, ये स्टेशनरी चार्ज था, मूविंग चार्ज जो वो क्या क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी एक चार्ज को अगर रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने किसी चार्ज को रखा था तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था चार्ज पार्टिकल? हाँ। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? क्यूई। जिस चार्ज को रखा था वो चार्ज क्यू था और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया था? क्यूई। बट क्या हो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हो? मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या हो किस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं चार्ज पार्टिकल को रख दू? ऐसा देखा गया कि इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अच्छा, ये कैसी बात हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज पार्टिकल को रखा तो उस पर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को रख रहे हो तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा दें तब भी कुछ नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही क्या करा दिया? मूव। तो कुछ चीजें क्लियर है। क्या क्या क्लियर है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर देगा, चार्ज पार्टिकल को चलाओगे तब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रख दोगे तो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चला दोगे तब भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस ऑनली तभी करेगा जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो ये नई चीज है क्या?
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या ये नहीं देखते हैं, हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बी को हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम डिफाइन भी करेंगे, बट पहले मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता कितना है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए विद द वेलोसिटी ऑफ पी, तो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे, ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, और ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। लास्ट एक और चीज, ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पे। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, इन चारों चीज पे ये डिपेंड करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ अगर साइन लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में होगा क्यू वी क्रॉस बी, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, ये बात तो क्लियर है। तीसरा और कि थीटा जो है वो भी मैटर करता है, अगर मैं फोर्स मैक्सिमम रखना चाहता हूं तो मुझे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब थीटा कितना होगा 90। इसका मतलब फोर्स तभी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा और मैक्सिमम तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। कैसा मूव करे, परपेंडिकुलर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर कैसा भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस टाइप से परपेंडिकुलर होना चाहिए बस, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब ये परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा, ये पाथ और देख लेते हैं। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये थी वेलोसिटी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, थीटा की वैल्यू हमने सीधा 90 पुट कर दी। अब बच्चों यहां पे पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में, इसके लिए हम एक रूल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, कि आप अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब, इन तीनों को इस टाइप से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों परपेंडिकुलर हैं। इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगी चार्ज पार्टिकल के मोशन को जो कि ऊपर की तरफ है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। मैं इस टाइप से, ये चार्ज पार्टिकल इस टाइप से आ रहा था, तो जब ये ऐसे ही आएगा तो इससे फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ।
अंदर की तरफ फोर्स लग गया। अब बच्चों कोई पार्ट अगर रेसिंग बिल्कुल सीधे आ रहा है, कोई पार्टिकल सीधा आ रहा है और उसको इस डायरेक्शन में जाना हो, इस डायरेक्शन में, तो क्या ऐसी यूं आकर के और सडन से राइट एंगल पे मुड़ जाएगा क्या? नहीं, वो कर्व लेता हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है, ये नहीं कि बस एक ही जगह पे आगे लगा, कंटिन्यूअस लगेगा, तो इस टाइप से कर्व ले लेगा और इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, चार्ज पार्टिकल पहले ऊपर आ रहा था, अब कहां जा रहा है? अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड उधर है बट चार्ज पार्टिकल जा रहा है अंदर की तरफ, तो सेकंड फिंगर को अंदर की तरफ रखेंगे, तो अब थंब कहां रिप्रेजेंट हो रहा है? नीचे की तरफ, दैट मींस फोर्स लगेगा नीचे। ये चार्ज पार्टिकल आया था, इसने टर्न लिया, इधर जाने लगा, अब इस डायरेक्शन में जाने के कारण इसमें फोर्स का लग रहा है नीचे, फिर कर्व लेता हुआ नीचे आएगा। बच्चों इमेजिन करो ये यहां से ऐसे ही आया और घूमता हुआ फिर ये नीचे चला गया, अब क्या होगा? अब जब ये नीचे जा रहा है वापस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उधर, चार्ज पार्टिकल जा रहा नीचे, अब फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल ऐसे आया ऐसे ही घूमता हुआ फिर ये बाहर चला गया, अब जब बाहर आ रहा है तो फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ, तो इस टाइप से कंटिन्यूस क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन करता रहेगा। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर गया उसके बाद ये इस टाइप से क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है। और सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायर्ड होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा? ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? सर्कुलर होगा। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर उसको अंदर की तरफ मान ले, ये क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें अंदर की तरफ जा रही हैं, और ये अगर डॉट होता तो डॉट रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है? बाहर की तरफ। आप जब एक स्टेशन पे खड़े हो, दूर से जब ट्रेन को देखते हो, रात के टाइम पे दूर से वो ट्रेन आ रही है, तो आपको क्या दिखती है ट्रेन की? एक येलो कलर की लाइट तो दिखती है, डॉट, दैट मींस वो आपकी तरफ आ रही है। और जब ट्रेन पूरी चली जाती है तो बिल्कुल लास्ट वाली बोगी जो होती है उस पर क्या दिखता है आपको? क्रॉस दिखता है, दैट मींस वो हमसे दूर जा रही है। ऐसे आप यहां पर खड़े हो जाओ, आपको क्रॉस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रही है, और अगर डॉट दिखता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपके पास आ रही है, मतलब बाहर निकल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा हो तो सर्कुलर पाथ किस टाइप से फॉर्म होगा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा एंटर कर रहा था इस टाइप से, तो इस टाइप से आएगा फोर्स लगेगा, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल आ रहा था ऊपर, चार्ज पार्टिकल ऊपर आ रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, इस टाइप से एंटर करेगा और ये गोल गोल ऐसे करके क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। चार्ज पार्टिकल Q था जो V वेलोसिटी से एंटर कर रहा था, इस टाइप से घूमने लग जाएगा। अब जो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अब सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एमवी स्क्वायर अपॉन आर। आर हो गया सर्कुलर पाथ की रेडियस, V हो गया कि सर्कुलर पाथ में किस वेलोसिटी से चल रहा है, और M हो गया चार्ज पार्टिकल का मास या फिर पार्टिकल का मास। और यहां पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स हमको दे रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो हम बोल सकते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी हो जाएगा। थीटा तो हमारा 90 है, देख लो वहां पे थीटा इक्वल टू 90, इसलिए साइन थीटा मैंने लिखा है, साइन 90 की वैल्यू सीधा ही वन होती है। अब यहां से एक वेलोसिटी कट रही है तो क्या बचेगा? एम वी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी। तो यहां से हम एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आ गई? एम वी अपॉन क्यू बी।
सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी। अब बच्चों अभी तक तो हमने ये लेके चला है कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, क्या ऐसा जरूरी है कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर ही एंटर करे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। हो सकता है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या कुछ और वैल्यू हो, ठीक। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि 90 पे एंटर करेगा। जब किसी एंगल पे एंटर करेगा तब चार्ज पार्टिकल का मोशन किस टाइप का होगा, अब इसको देखते हैं। हमने अभी तक कैसे देखा है कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चला दें तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा, बट मैक्सिमम भी ना हो और मिनिमम भी ना हो, इसके बीच की कंडीशन भी तो हो सकती है, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो देखते हैं। ये तो सर्कुलर पाथ की रेडियस आ गई। हम ये देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी बता देते हैं, फिर उसके बाद हम थीटा डिग्री के एंगल पे जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा क्या होता है वो देख लेंगे। थीटा हम रखते हैं 90, चार्ज कर दें 1 कूलॉम, वेलोसिटी कर दें 1 मीटर पर सेकेंड या 1 यूनिट कर दें, ये भी यूनिट कर दें, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। एक चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो यूनिट, वो यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को बताएगा या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स परपेंडिकुलरली विद द वेलोसिटी ऑफ यूनिट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज यूनिट। यूनिट चार्ज पार्टिकल जब भी यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स जो है वो ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल होगा, या फिर वो फोर्स जो है वो ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है थीटा डिग्री के एंगल पे। अब बच्चों इस वेलोसिटी के क्या हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं? सर दो कंपोनेंट्स क्यों करेंगे? दो कंपोनेंट्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस कंपोनेंट के कारण क्या लगेगा, फोर्स, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया कितना, बी कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लगेगा, इस कंपोनेंट के कारण। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डी, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा क्यू बी बी साइन थीटा। चार्ज ले लिया हमने क्यू, वेलोसिटी कितनी लेंगे, वेलोसिटी बी साइन थीटा लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना लेंगे, बी, इस कंपोनेंट के यहां फोर्स लगेगा। अब बच्चों ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स देगा ये,
सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी होता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा, ये कराएगा। यहाँ पे दो दो वेलोसिटी हैं, इसलिए इस वेलोसिटी को कंसीडर कर लेते हैं v1 और इसको कंसीडर कर लेते हैं v2, ठीक है। रेडियस देखते हैं पहले सर्कुलर पाथ की कितनी होगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चे यहां पे कौन सी वेलोसिटी के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस वेलोसिटी के कारण, इसलिए हम वेलोसिटी यहां पे वी ना लिख करके वी वन लिखेंगे, इक्वल टू फोर्स कौन सा है, ये रहा फोर्स क्यू वी वन बी। मैं वी साइन थीटा लिखूं या वी वन लिखूं एक ही तो बात है, वी वन से वी वन कट जाएगा, एम वी वन अपॉन आर इक्वल टू क्या हो गया क्यू बी। सर्कुलर पाथ की अगर रेडियस फाइंड आउट करनी हो तो रेडियस आ जाएगा अदर, क्यू बी आ जाएगा नीचे, वी वन की जगह हम वी साइन थीटा रखते हैं अगर तो यह आ गई आपकी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक रिलेशन निकाला था आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल कब एंटर कर रहा था, कैसे एंटर कर रहा था, परपेंडिकुलर, थीटा की कितनी थी 90, और यहां पे थीटा 90 रख के देखो वही आंसर आएगा, ठीक। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी वो हमारा यहां से पता पड़ गया। और क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अगर रेडियस पता है, कोई भी चीज अगर एंगुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन एक टाइप का एंगुलर मोशन ही तो है, तो सर्कुलर मोशन अगर कर रही है तो वहां पे हम एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। अब कौन सी वेलोसिटी के कारण घूम रहे हैं, इस वेलोसिटी के कारण घूम रहे हैं, एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, v इक्वल टू ओमेगा। यह आपका 11th क्लास में फॉर्मूला आया था, v इक्वल टू ओमेगा, v इज द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो लीनियर वेलोसिटी तो हमारी v1 है, इसी वेलोसिटी के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, और रेडियस ये r है, ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वन बाई आर, वी वन एज इट इज, और आर की वैल्यू पुट करते हैं यहां से, एम वी वन अपॉन क्यू बी। इसका रेसिप्रोकल करें तो वी वन से वी वन तो कट जाएगा, और ओमेगा कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन एम। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों अगर चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। दैट मींस वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा, ठीक है, इस टाइप से। और एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी चेंज करना पड़ेगा, क्यों तो चेंज नहीं कर सकते, चार्ज पार्टिकल अगर एक बार ले लेते तो बस हो गया, यह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, अब वहां पे रिवॉल्यूशन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, अब रिवॉल्यूशन अगर रिपीट होंगे तो उसके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π न्यू, तो फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो 2π कहां चल जाएगा, डिवाइड में, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, ये तो लिख देते हैं आपके एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π, ओमेगा रखते हैं क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम डिवाइड में 2π, यही सी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक बार चार्ज पार्टिकल को घुमा, चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बना हुआ है,
तो चार्ज पार्टिकल ऐसा कैसे घूमता रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगर पता पड़ गई तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनवर्स कर दो। टाइम पीरियड बच्चों में होता तो ये है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं वो तो फ्रीक्वेंसी बताएगा, एक रिवॉल्यूशन होने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड बताएगा। क्या क्या फाइंड आउट किया हमने? रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। एक चीज और निकालते हैं, देखो क्या बच्चों मैं इसको रफ कर रहा हूं, पहले आप ये नोट कर दो। इसके कारण तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट? इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों इमेजिन करो कि मेरे पास अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी को भी खत्म भी नहीं करता तो मैं उसी डायरेक्शन में चलता रहूंगा, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे स्लैब से एंटर करके यहीं पे रुकेगा नहीं, या यहीं पे सर्कुलर मोशन नहीं लगाएगा, वो सर्कुलर मोशन इस टाइप से लगातार चलेगा। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब चार्ज पार्टिकल यहीं पे सर्कुलर मोशन थोड़ी करेगा, उसको घूमना तो है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, लेकिन वो आगे भी जाएगा इस वेलोसिटी के कारण। तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन। और इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल मोशन या फिर हेलिक्स मोशन। इस टाइप से पाथ कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ेगा। सर्कुलर क्यों घूम रहा है? इस कंपोनेंट के कारण। आगे क्यों जा रहा है? इस कंपोनेंट के कारण। इस टाइप से ही क्यों घूम रहा है? क्योंकि दो दो कंपोनेंट है यहां पे। इस कंपोनेंट के कारण तो सर्कुलर, इसके कारण लीनियर। तो एक पूरे चक्कर में कितने डिस्टेंस कवर होगी वो भी देख लें। ये पूरा चक्कर है, मान लेते हैं इस पूरे चक्कर में डिस्टेंस डी है, ये डी कितनी होगी? अच्छा बच्चों एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है? इतना। तो अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे? जिसके कारण लीनियर पाथ पे चल रहा है ये। टाइम कौन सा लेना है? एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस देख रहे हैं, इसमें एक चक्कर का टाइम। v2 है अपना v cos theta और ये टाइम है 2 pi m upon qb, ये हो गई हमारी डिस्टेंस। तो चार्ज पार्टिकल जब किसी एंगल पे एंटर करेगा तो किस टाइप का मोशन होगा हमने वो भी देखा, रेडियस कितनी होगी वो देखी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा और रेट रिवॉल्यूशन में वो कितने डिस्टेंस आगे बढ़ा वो भी देखा। बच्चों आज की क्लास में करते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कैसा इफेक्ट होता है कंबाइन करके वो देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। आज के में इतना ही, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, चाहे अच्छा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जैसा भी रिव्यू हो आप कमेंट सेक्शन में डालो, या कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसका वीडियो बना करके जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।